हमें किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये पता चला तो शाम को 6 बजे हमने SSO विजयनगर को इस बाबत एप्लीकेशन दी कि शाम रात को ऐसा हो सकता है, हमें ये अंदेशा है। इंद्राव जी सागला, संदीप सागला और सचिन सागला, सचिन सागला जो कि चेयरमैन है कांग्रेस के विजयनगर नगर पालिका में, जी हमारी दुकान विजयनगर में है बापू बाजार के अंदर, जिस पर कि सचिन सागला जो कि अध्यक्ष है नगर पालिका विजयनगर के और कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने MLA राकेश पारिक जो हमारे वहाँ के MLA हैं उनसे मिली भगत करते हुए हमारी दुकान को रातों रात तोड़ दिया और वहाँ पे डकैती डाल ली। हमारा जितना सामान था, जितना पैसा था, चेकबुक जो साइन हुए चेक थे और ATM कार्ड थे, हमारे पैन कार्ड थे, हमारे दस्तावेज जो भी थे, क्रय विक्रय प्रपत्र, कुछ भी वहाँ नहीं छोड़ा, सब कुछ डकैती डाल के उठाकर ले गए। करीब 25,000 रुपये कैश थे गल्ले में हमारे और माल था करीब 2.5 लाख का हमारे, जो सब कुछ ले गए। जनरल स्टोर की दुकान है हमारी। क्या चला था ये मामला? हमारे जो मालिक हैं उन्होंने हमें खाली करने के लिए कहा था और हमने कहा ठीक है भैया खाली कर देंगे, आप विधिक प्रक्रिया से आइए, हमें गुंडागर्दी से धमकाइए डराइए मत, आप विधिक प्रक्रिया से आइए हम खाली कर देंगे, 40 साल से हम किराएदार हैं यहाँ, एकदम से तो खाली कर नहीं सकते, और इसके सिवा हमारी कोई रोजी रोटी का साधन भी नहीं है, घर खर्च इसी से चलता है हमारा। 1976 से दुकान है साहब, 1976 से। कल आने वाला था कोर्ट से नोटिस खाली कराने। कल हमने ब्यावर कोर्ट में पेश किया, वहाँ से नोटिस इनको जारी हो गया, जो कि कल की तारीख में यानी कि सोमवार को 17 तारीख को इनके पास तामील होना था। तो इनके ही एक भाई हैं सुनील जी उपाध्याय के, अशोक जी उपाध्याय, जो विजयनगर में वकील हैं, उनको इसकी भनक लग गई, तो इन्होंने सचिन सांखला, उमराव सांखला, संदीप सांखला, इनसे मिलकर गुंडागर्दी के तहत रात को वो दुकान गिरवा दी। इसकी हम सूचना रात को, शाम को ही, पहले ही SHO साहब को हम सूचना दे के आए कि हमें ये अंदेशा है कि ये ऐसा कर सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, आप इस पर कार्यवाही करें। तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। आज सुबह 5:30 बजे जब हम घूमने गए मॉर्निंग वॉक पर, तो हमने देखा दुकान पूरी टूटी हुई थी, वहाँ डकैती डल चुकी थी, सारा सामान सब कुछ गायब था, कुछ भी वहाँ नहीं छोड़ा उन्होंने, गेट भी उखाड़ के ले गए। क्या लगता है पुलिस की मिलीभगत है राकेश पारिक की दवाओं में? जी हाँ, SHO विजयनगर की पूरी मिलीभगत है राकेश पारिक, और मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार के द्वारा दबाव के तहत SHO काम कर रहा है और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बापू बाजार विजयनगर के अंदर, जिला अजमेर लगता है। हम सुबह SHO साहब से मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हम DSP साहब के पास गए नसीराबाद, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हम यहाँ SP साहब से मिलने आए, SP साहब यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो हम यहाँ पे क्राइम ब्रांच में गए और वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ने बताई, उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया। SHO साहब कहते हैं कि मैं तो उनको कब से ही फ़ोन कर रहा हूँ, वो आते ही नहीं है, जबकि हमारे पास किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं आया है। चलो आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक बोहरा है, मेरे पिताजी का नाम ऋखभ चंद है जो कि दुकान पे बैठते आए हैं। कहाँ के रहने वाले? हम विजयनगर के हैं, वैसे मूलतः सराना के हैं। ठीक।